बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और दुनिया में आखिर की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का व्लॉग करते हैं ये शुरू। तो आज क्लास का टाइम है, अभी तकरीबन 11 बजे हैं और 12 बजे छुट्टी होगी। अभी क्लास में ही हूँ इधर अपने इदारे में। तो आज मैं मोबाइल साथ लेके आया था, क्यों 12 बजे के बाद मैंने घर नहीं जाना है, एक मेरा प्रोग्राम है दोस्तों के साथ है, तो इसलिए मैंने मोबाइल से साथ लेके आया हूँ कि जो हमने प्रोग्राम करने हैं वो आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और अभी भी कमरे में हूँ, कुछ नाश्ते का प्रोग्राम था हमारा, तो दोस्त नाश्ता लेने के लिए गए हुए हैं, तो मैं दस्तरखान लगा रहा था, तो सोचा अभी से लोग शुरू करते हैं, लेकिन नाश्ते की वीडियो नहीं आएगी, क्यों नाश्ता हमारे उस्ताद साथ होंगे, मोबाइल की इजाज़त नहीं है इधर, तो अगर उसकी वीडियो बनाई तो मोबाइल ज़ब्त होने का ख़तरा है। कोशिश मैं करूँगा अगर कुछ हुआ तो, वगरना जो हमारा असल प्रोग्राम है जिसकी वजह से मैं मोबाइल लेके आया हूँ वो आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ये देखें, ये दस्तरखान लगाया है, प्लेटें मैंने रख दी हैं और अभी पानी रखूँगा। और ये पता नहीं उस्ताद के घर से कोई सालन वगैरह आया था, समझ नहीं आ रही है क्या चीज़, मैंने अभी देखा नहीं है, बस लड़का आया वो रख के चला गया है। अभी मैं देसी मुर्गा है उसका पकाने लगा हूँ, कढ़ाई टाइप बनाएंगे सादा सी, ज़्यादा इस पर वो मेहनत नहीं करेंगे, बस हल्की सी इसको कढ़ाई टाइप बनाएंगे। यही प्रोग्राम था हमारा जो मैंने पहले बोला था, तो बस अभी शुरू करने लगा हूँ, तो टाइम भी काफ़ी हो रहा है, बस इसको जल्दी जल्दी से बस बनाएंगे। और देसी मुर्गा है तो मज़ा भी इसका ही आता है खाने का और फ़ायदेमंद भी होता है, तो इसके पकने पे भी कुछ टाइम लगता है काफ़ी, लेकिन मैं कुछ कोशिश ऐसी करूँगा कि इस पे टाइम कम लगे और बने भी मज़ेदार। तो बस अभी शुरू करते हैं और आप दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं, और आप भी लाजमी देखिएगा, मुकम्मल देखिएगा। और बस इसका इंतज़ार करेंगे घी का गर्म होने का, फिर इसमें प्याज डालेंगे। इसको बस हल्का हल्का सा ब्राउन करेंगे प्याजों को, फिर इसमें हम जो ये गोश्त है ये भी साथ बुनाई करेंगे, फिर ये जल्दी बनने के कुछ चांस होते हैं ऐसे, क्यों वो घी में फ्राई हो जाता है और जल्दी बन जाता है, बस हम इसको जल्दी जल्दी से अभी तैयार करेंगे। ये आग बहुत कम है जिसकी वजह से थोड़ा सा मज़ा कम आ रहा है पकाने में, वैसे भी ये पक जाएगा लगे तो हमें। हम बस ये तैयार है अभी, तो बस पानी खुश करना है हल्का सा, जो रहता है थोड़ा सा वो खुश करेंगे, उसके बाद बस इसको खाएंगे हम और फिर आप दोस्तों को भी बताएंगे इसका जायका कैसा है। बस ये तैयार होने वाला है, पक चुका है मुकम्मल, बस पानी खुश करना है जो थोड़ा सा डाला था मैंने आखिर पे, तो मुझे भी काफ़ी जल्दी है, क्लास में जाने की इरादा है मेरा जाने का, अभी एक घंटा पड़ा है, तो इरादा यही था कि जो घंटा है उसको भी हम ले लें, जो उसका सबक है वो पढ़ लें, तो देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है, अगर टाइम ज़्यादा लगा तो फिर मुश्किल है क्लास में जाने का भी। ये अब खाना शुरू हो रहा है हमारा, क्या ये हैं? ना ना बाहर निकल जाएंगे, इधर मुंह कर मेरी तरफ, इधर तो मुंह कर ले, कर ले
बिल्ले बिल्ले इधर तो मुंह कर, पहले मेरी तरफ कर, फिर मैं इनको बाहर निकाल लूंगा। नीचे जाना है बिल्ले, चिप्स नहीं खानी, चिप्स नहीं खानी, नीचे चिप्स बन रही। ये काफ़ी दिन का प्रोग्राम था हमारा, तो इस पे भी टाइम नहीं मिल रहा था, बस आज भी क्लास में जाना तो था लेकिन खाने में टाइम काफ़ी लग गया, पक तो टाइम पे गया था। तो आ जा, तो फिर खाना खाया, फिर उसके बाद हमने कुछ चाय पी है, तो फिर टाइम नहीं रहा था क्लास में जाने का, तो बस फिर आज मूड भी नहीं किया। देखेंगे कल को क्या बनता है, बनना क्या, जुर्माना होगा वो थोड़ा सा ही होता है, चाय वगैरह होगी। तो काफ़ी मज़ेदार बना हुआ था, तो अभी बस घर आया हूँ, अभी असर को रहते हैं 10-15 मिनट रहते हैं अजान होने को, तो असर का टाइम भी होने वाला है। तो ये गुड़िया थी हमारी, ये कह रही थी ऊपर जाना है कुछ टाइम के लिए, तो इसको वह ऊपर लेके आया था, ये परिंदों का इनको शौक है देखने का, तो बस अभी इसी में लगी हुई है ना। इधर आ, इधर तो बात तो सुन, इधर आ, क्या हुआ है, इधर आ, इधर आ। इसको मनाना बहुत मुश्किल है, तो बस ये अपना थोड़ा सा टाइम है, इसको देखेगी परिंदे वगैरह देखेगी तो फिर इसको नीचे लेके जाएंगे, क्यों इसके लिए चिप्स वगैरह भी बन रही है नीचे, तो वो भी स्टार्ट हुई थी बनने के लिए, तो मैंने कहा चलो इतना ये देख आए ऊपर जो भी देखना है, तो बस अभी नीचे चलते हैं, इसको भी लेके चलते हैं। क्या लगा है चुरमा, किधर लगा है, आँखों में, तो आंखों में, आंखों से थोड़ी बात करनी है, मेरी आंखों में मैं डालता ही नहीं हूँ चुरमा, आपके किसके, आपको किसने डाला, मम्मा ने डाला, अब इधर भी बोलो, क्यों नहीं बोलना, क्या थे है? क्या थे? रात मैंने जैसे कपड़े प्रेस किए उसके बाद काफ़ी थकावट हो रही थी, तो क्यों पूरा दिन पढ़ाई में भी रहना और फिर छोटे मोटे काम अपने जो करने वो भी करते रहना, और रात तक फिर काफ़ी थकावट हो जाती है और नींद भी काफ़ी ज़बरदस्त आती है। उस टाइम प्रेस करने के बाद नींद इतनी ज़बरदस्त थी कि कुछ भी याद नहीं रहा, तो बस फिर आराम किया, सुबह उठ के फिर कपड़े भी चेंज किए मैंने, तो बस वीडियो का एंड इधर ही करते हैं, बस आज की वीडियो को हम इधर ख़त्म करते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, और अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त और बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।